देश का भविष्य बनाने और समाज को दिशा देने वाले शिक्षकों के सम्मान में रविवार को स्थानीय राजीव भवन में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, प्रख्यात शिक्षाविद व महान दिशा निर्देशक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के छायाचित्र के सामने दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर की गई। कार्यक्रम में 300 शिक्षकों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कांग्रेस शिक्षा एवं शिक्षक प्रकोष्ठ के साथ सहयोगी संस्था के रूप में कांग्रेस सेवा दल, जिला महिला कांग्रेस, आदिवासी प्रकोष्ठ, युवा कांग्रेस, NSUI एवं जिला अनुसूचित जाति विभाग के समस्त पदाधिकारी व सदस्य आयोजन में सहभागी रहे। इस ऐतिहासिक अवसर पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी ने मौजूद शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक दिवस पर मैं आप सभी शिक्षकों का सम्मान करता हूँ। शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, उतनी ही तेजी से शिक्षा का स्तर भी गिर रहा है। एक अमीर व्यक्ति का बेटा निजी स्कूल में पढ़ता है और गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में। इससे शिक्षा में भेदभाव भी बढ़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि आखिर यह स्थिति क्यों बन रही है, क्योंकि हर तरफ निजीकरण पर जोर दिया जा रहा है। आज देश की क्या हालत है आप सभी भलीभांति जानते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे ने कहा, आप सभी को सांसद श्री कृणाल नाथ जी एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी एवं कांग्रेस परिवार की ओर से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। हमारे बच्चों और आपके लिए यह बहुत संघर्ष का विषय है। पहले एक शिक्षक गांव से निकलता था तो उसका अलग सम्मान किया जाता था, लेकिन अब ऐसे हालात नहीं है, यह सोचने का विषय है। सांसद कुणाल नाथ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को शिक्षा का हब बनाया है। मुझे कहने में गर्व हो रहा है कि यह तमाम इंस्टीट्यूट है जो शिक्षा और शिक्षक के सम्मान को बढ़ा रहे हैं। शिक्षकों के हर सुख दुख में कांग्रेस आपके साथ है। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वे एक विद्वान शिक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में भारत के भविष्य को बेहतर बनाने में लगाए। शिक्षक सम्मान समारोह में आदिवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महेश ध्रुवी, गुरुचरण खरे, अमित सक्सेना, पंकज शुक्ला एवं आनंद बख्शी, शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हेमंत सान विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस सेवा अध्यक्ष सुरेश कपाले ने किया। व्यवस्था जिला कांग्रेस सेवा दल, नगर कांग्रेस सेवा दल एवं महिला कांग्रेस सेवा दल ने बनाई। विश्व प्रसिद्ध समाज सेविका, नोबेल शांति पुरस्कार व भारत रत्न से सम्मानित मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर सभी नतमस्तक हुए। लेकिन छिंदवाड़ा जिले में आज का जो वातावरण था, हमारे बच्चे पढ़ने लिखने के बाद आपके समय में, आपके पहले की पीढ़ी में बहुत रोजगार के अवसर बनते थे। हमारे पूर्व नेताओं ने बहुत सारे रोजगार के अवसर प्रदान किए, लेकिन जब कमी आई तो हमारे नेता कमलनाथ जी ने कौशल विकास केंद्र के माध्यम से छिंदवाड़ा जिले में बच्चों को सीखने के लिए, बेरोजगारों को सीखने के लिए कौशल विकास के माध्यम से छिंदवाड़ा जिले में नई शिक्षा नीति लाई, उसे हम कौशल विकास केंद्र कहते हैं। BCN न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शुक्रवार की रिपोर्ट।